हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन सर्व। तो आज विद्यार्थी हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का अध्ययन करेंगे और इसके दो पार्ट हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसका भी डेरिवेशन करेंगे। सीरीज पैरेलल बताने से पहले आपको बता दें कि सीरीज पैरेलल दुनिया में जो वायरिंग हुई है विद्यार्थी, दुनिया में जो वायरिंग हुई है घरों में, वो घरों में जो आपकी वायरिंग हुई है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता ये है कि उसका वोल्टेज सेम रहता है। अगर एक फेस में लाइट सबके घर की जुड़ी हुई है तो उसका वोल्टेज क्या है? सेम रहता है, लेकिन करंट जो लेते हैं वो अलग अलग होता है। किसी घर में ज्यादा लाइट की खपत है, किसी घर में कम लाइट की खपत है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट अलग अलग होता है, वोल्टेज सेम होता है, ये आपको जानना है। और दुनिया के जितने घर हैं उसमें सब में यही पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। फिर बचता है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे झालर आप देखते हैं, दीपावली वाला झालर या शादी में किसी फंक्शन में जो छोटे बल्ब वाला झालर होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। छोटे बल्ब वाला झालर में ये होता है कि वो वायर में ही बल्ब लगा रहता है, वायर में ही बल्ब लगा रहता है, और प्रत्येक बल्ब सीरीज कॉम्बिनेशन में वहां पे क्या होता है, करंट जो है सेम रहता है, सब में करंट सेम रहता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग रहता है, बस यही आपको बताना है। अरे भाई, जब वायर में ही बल्ब लगा है तो करंट अलग अलग कैसे हो सकता है? तो वो ध्यान देना। तो करंट और करंट की बात कर रहा है, जो वहां करंट की बात कर रहे हैं हम, अभी यहां कैपेसिटर के लिए भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन करंट के स्थान पर यहां चार्ज की बात किया जाएगा। मतलब सीरीज वाले में चार्ज क्या रहेगा? सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल अलग अलग रहेगा। पैरेलल वाले में पोटेंशियल सेम रहेगा, चार्ज भिन्न भिन्न रहेगा। बस करंट के स्थान पर क्या बोल देना है? चार्ज, कैपेसिटर के लिए। अदरवाइज जब हम लोग रजिस्टर पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस के अध्ययन करेंगे, तो वहां पे करंट वगैरह बोला जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो एक ही है। तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि घरों में जो वायरिंग हुई है, सबके घरों में जो वायरिंग हुई है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की विशेषता ये है कि उसमें करंट अलग अलग होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सेम होता है। और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है और वोल्टेज अलग अलग रहता है। इतना कंसेप्ट जानने के बाद अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ विद्यार्थी, हमारा हेडिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो दो प्रकार से होता है कॉम्बिनेशन किया जाता है कैपेसिटर का। नंबर एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, नंबर दो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया क्यों जाता है? कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन इसलिए किया जाता है कि जब हमें आवश्यकता होती है, कभी कभी हमें आवश्यकता होती है गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से अधिक कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है, कभी कभी हमें आवश्यकता होती है गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होती है। इन कंडीशन की पूर्ति के लिए हमें डेरिवेशन करना पड़ेगा, किसी कैटेगरी में जोड़ना पड़ेगा। अब किसमें गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से ज्यादा की आवश्यकता होगी, किसमें कम, वो अभी पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं। पहला डेरिवेशन है उसका सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में मैंने अभी आपको बताया कि जो झालर वगैरह है वो जो है सीरीज के उदाहरण है, और उसमें करंट सेम होता है, करंट सेम होता है, वही चीज यहाँ पे कहा जाएगा कैपेसिटर वाले केस में, चार्ज सेम होता है, बस इतना ध्यान देना है। तो तीन कैपेसिटर हैं जिनके कैपेसिटेंस क्रमशः C1, C2 और C3 हैं। कैपेसिटर को जोड़ने का तरीका है, पहले कैपेसिटर की सेकेंड प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से ऐड कर देते हैं, फिर दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को तीसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जोड़ देते हैं। इसी प्रकार कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन किया जाता है। अब पहले कैपेसिटर के
पहले प्लेट को और अंतिम कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं, सेल या बैटरी से जोड़ देते हैं। प्रत्येक प्लेट पर, प्रत्येक फर्स्ट प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि प्रत्येक सेकंड प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। हाँ, ये हो गया कैपेसिटेंस, तो अलग अलग है ही है। चार्ज सब पे क्या सेम, ये सब प्लस वाला रहेगा, ये सब क्या रहेगा, ये सब प्लस वाला रहेगा, ये सब माइनस वाला रहेगा। इसका ये मतलब है, ये सब प्लस वाला रहेगा, ये माइनस वाला, ये सब प्लस वाला, ये सब माइनस वाला, इसका यही मतलब होता है। तो भीड़ चाहे किया जाए या ना किया जाए, इसका यही मतलब होता है। बहरहाल कर दिए, और उनके अलग अलग पोटेंशियल क्रमशः V1, V2, V3, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, हाँ ये है। और अब देखिए, हम इनका इक्विवेलेंट मतलब परिणामी चाहते हैं, परिणामी चाहते हैं, तो C1, C2, C3 के स्थान पर एक ऐसा कैपेसिटर प्रयोग किया जाए जिसका कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट हो, इनका परिणामी हो। तो सी इक्विवेलेंट इनको ऐड करने के बाद कंडीशन ये है, फिर उसी सेल से इसको ऐड किया गया है, इनके बीच जो ये पोटेंशियल है, ये यहाँ किसका मतलब V है, यहाँ जीरो है, ये V यहाँ हो जाएगा और ये जीरो यहाँ हो जाएगा, मतलब इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है, जो इनके बीच है टोटल पोटेंशियल। तो कैपेसिटर की सीरीज कॉम्बिनेशन की क्या विशेषता है, सीरीज कॉम्बिनेशन की ये विशेषता है कि चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। जो पहला पहला कंडीशन है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, दैट इज क्यू इज इक्वल टू क्या, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो मतलब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। तो चार्ज क्यू बराबर ये C1V1 हो जाएगा, बराबर C2V2 हो जाएगा, बराबर C3V3, अरे ये Q1 Q2 Q3 सब जब बराबर है, बराबर Q क्यू इज इक्वल टू क्या, सी इक्विवेलेंट इंटू क्यूवी, क्यू बराबर CV होता है, मतलब पहले प्लेट के बीच चार्ज C1V1 हो गया, दूसरे प्लेट के बीच चार्ज क्यू बराबर CV होता है ना, टोटल चार्ज हमेशा सेम है। अगर कैपेसिटेंस ज्यादा है तो उनके बीच वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, तभी तो गुणा करने पर हमेशा सेम आ रहा है। अगर कैपेसिटेंस कम, कैपेसिटेंस मान लेते हैं यहां सबसे कम है, यहां सबसे कम है, तो यहां वोल्टेज क्या होगा, यहां कैपेसिटेंस सबसे कम है सी इक्विवेलेंट, तो इसका वोल्टेज क्या होगा, सी इक्विवेलेंट सबसे कम है तो वोल्टेज सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पे कैपेसिटेंस अगर ज्यादा है, मान लेते हैं ये C1 कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है तो वोल्टेज सबसे कम होगा, मतलब हर जगह उनका गुणा करने पर क्या होता है, वैल्यू सेम आ रहा है। इसका भी हम लोग लाभ उठाएंगे, इससे एक फार्मूला निकालेंगे जो न्यूमेरिकल के लिए क्या होगा, उपयोगी होगा, इसका ये मतलब है। दूसरा पॉइंट जो इसमें खास बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज अलग अलग होते, वोल्टेज इज डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंस इन ईच कैपेसिटर व्हेन
कैपेसिटेंस इज डिफरेंस, व्हेन कैपेसिटेंस इज डिफरेंस। यस, ये बात सत्य तो है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, ये सही बात है। लेकिन तभी सही बात है जब हमारा कैपेसिटेंस क्या हो, अलग अलग हो जाए। अभी सभी कैपेसिटेंस आप सीसी कर दो, सभी कैपेसिटेंस क्या कर दो, सीसी कर दो, तो यही वोल्टेज तीन भागों में बढ़ जाएगा। वोल्टेज जैसे 15 वोल्ट दे दिया, तो पांच इसका हो जाएगा, वोल्टेज भी सेम हो जाएगा। ऐसे केस में इन तीनों के लिए वोल्टेज सेम हो जाएगा, ये इतना ध्यान देना है। तो अगर कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा तो वोल्टेज सेम हो जाएगा अपने आप, क्योंकि अब यहां देखिए चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, तो सी और वी का गुणनफल क्या रहना है, हमेशा कांस्टेंट आना है। तो जब सी कांस्टेंट है, सी हर जगह सेम है, तो वोल्टेज अलग कैसे आएगा, क्योंकि इनका गुणनफल तो क्यू के बराबर आना है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। हाँ, तो इतना हमें आपको ये बताना था। अब इसमें देखना यह कि जो चीज बट रहा है, शेयर हो रहा है, शेयर कौन हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है, वही इक्वेशन ले लीजिए डेरिवेशन के लिए। और बोर्ड कंपटीशन वाले बच्चों को तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है, लेकिन बोर्ड वालों को डेरिवेशन भी करना है। तो शुरुआत में जितनी बात बताएं वो सब लिखने के बाद अब क्या डिफरेंस हो रहा है, वोल्टेज का शेयर हो, वोल्टेज बढ़ रहा है। तो पहला इक्वेशन आप बनाइए, वी इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, इक्वेशन फर्स्ट आप बनाए तो कुल वोल्टेज V इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, चार तो सेम है। हाँ, अब अलग अलग वोल्टेज की हमें जरूरत पड़ेगी। तो V1 इक्वल टू V1 इन एड कैपेसिटर या V1 इन C1 या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C1 के बीच पोटेंशियल डिफरेंस। तो V1 इज इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू क्यू बाई सी, यहां से देख लीजिए V इक्वल टू क्यू बाई सी। यस, तो V1 इज इक्वल टू क्यू बाई C1 हो जाएगा, ये बराबर ये Q को कर दो लास्ट वाला, जब चार्ज हर जगह सेम है तो ये, और पोटेंशियल डिफरेंस इन C2, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान C2, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C3 तीसरे कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो क्यू अपॉन C3। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, यहां कहेंगे पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, ये सभी वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान C1, क्यू अपान C2, क्यू अपान C3। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं हम। अब इन तीनों कैपेसिटर के स्थान पर एक अगला कैपेसिटर बना है जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C इक्विवेलेंट है। हाँ, यदि तीनों के कैपेसिटर के स्थान पर एक ऐसा कैपेसिटर प्रयोग किया जाए जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, C इक्विवेलेंट है, तब क्या होगा, यहां कहना है इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज CEQ देन, तब क्या होगा, तो ऐसी दशा में हो जाएगा V इक्वल टू क्यू अपान सी इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा इक्वेशन 3 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखिए दोनों दशाओं में वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो समीकरण 2 और 3 से मतलब इसका क्या है, बायां पक्ष बराबर है, तो इसका दाहिना पक्ष भी, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का क्या होगा,
बराबर होगा। इसके बाद हमको वही करना है, इसके बाद हमको वही करना है। यस, तो चलिए बराबर कर लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग हम यहां पहुंचेंगे, ये क्यू अपान सी इक्विवेलेंट यहां आया। अरे भाई ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो, इतना बराबर इतना करना है। इसमें क्यू क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू प्लस वन अपान सी थ्री, तो इतना आया। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो आज से आपको फार्मूला ज्ञात करना है, सी इक्विवेलेंट बराबर वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू प्लस वन अपान सी थ्री। तो बोर्ड के लिए डेरिएशन आता है, बोर्ड के लिए डेरिएशन बस इतना आता है, यही तक करेंगे, उनका काम कंप्लीट हो गया। तो इतनी बात आप उतारिए, फिर कुछ और कॉन्सेप्ट हम इसमें रखते हैं आपके लिए, लेकिन बोर्ड के लिए जितना डेरिएशन पूछा गया है वो हमारा हो गया। तो आप इसे काफी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग कैपेसिटेंस का अध्ययन किए। अगर तीन कैपेसिटर सी वन, तीन कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस सी वन सी टू सी थ्री है सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालने का आपका के लिए ये फार्मूला आया। अब सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकालोगे यहां तो एलसीएम लेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा, इसीलिए यही फार्मूला लोग दिमाग में बनाए रखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अगर आप हाई स्कूल में रेजिस्टेंस पढ़े हो तो ये चीज क्या रहता है, ये चीज पैरेलल के लिए प्रयोग होता है, वन अपान आर वाला। तो बहरहाल हमें नहीं जाऊंगा, फिर लौटता हूं। इफ जो है, इफ यन यन कैपेसिटर, यन कैपा एड एड इन सीरीज, देन मतलब ये इसी प्रकार अगर यन कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होंगे तब इक्विवेलेंट। तो देखिए डेरिएशन करने के लिए न्यूनतम तीन कैपेसिटर होना चाहिए, चार पांच आठ दस जो भी लेना चाहे सब आप ले सकते हैं। यह सवाल हो सकता है कई कैपेसिटर एक साथ जे दे सीरीज में और सबको जोड़ना पड़े तो तीन से ज्यादा हो सकता है। तो ध्यान दे, अगर यन कैपेसिटर इसी प्रकार से सीरीज में जुड़े हुए हैं तब वन अपान सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू प्लस वन अपान सी थ्री प्लस सो वन वन अपान सी एन, ये आपका तब ये फार्मूला हो जाएगा। और एक और हो सकता है, इफ एन कैपेसिटर एड इन सीरीज व्हेन कैपेसिटेंस सेम कैपेसिटेंस इसी, अगर सभी कैपेसिटेंस क्या हो सेम हो, मतलब यहां ये है इफ क्या है सी वन बराबर सी टू बराबर सी थ्री बराबर सी एन, ये सभी क्या, मेरा मतलब ये है सभी कैपेसिटेंस सेम हो, सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सेम हो तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। चलिए वन अपान सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपान सी, सॉरी वन अपान सी प्लस वन अपान सी प्लस वन अपान सी प्लस वन एन टर्म्स, मतलब वन अपान सी वन अपान सी वन अपान सी कई बार जोड़ा गया, एन बार जोड़ा गया, पांच बार जोड़ा गया, तीन बार जोड़ा गया। अगर तीन बार जोड़ा गया तीन बटे सी, तीन बटे सी, पांच बार जोड़ा गया है, अरे दो धन दो धन दो, पांच बार जोड़ा गया है तो दो पच्चीस दस, आप गुणा करते हो ना, पांच बार जोड़ा गया। उसी प्रकार वन अपान सी वन अपान सी वन अपान सी एन बार जोड़ा गया, तो आप क्या करोगे एन से गुणा करोगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वन अपान सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपान सी गुणे क्या हो जाएगा एन हो जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट यहां निकल जाएगा, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी अपान एन, ये आपको ध्यान देना है। अब ये सब प्रॉब्लम आए हुए हैं जो कि मैं कंसेप्ट में ही आपको बता दे रहा हूं, इस टाइप का बोर्ड में तो क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन है, ये इतना करना है, ये फार्मूला लिखने के बाद ये इतना करना रहेगा, सब क्वेश्चन है ये, तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो ये तीन से ज्यादा रहे तो क्या होगा, ये इतना चीज जानना है। अब न्यूमेरिकल के लिए जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, फॉर टू कैपेसिटर, फॉर न्यूमेरिकल लिखे फॉर टू कैपेसिटर, दो कैपेसिटर के लिए क्या होगा फार्मूला। तो दो कैपेसिटर के लिए लोग जल्दी सवाल लगाने के लिए ये फार्मूला को याद कर लेते हैं। अगर दो ही कैपेसिटर होता तो क्या होता, वन अपान सी इक्विवेलेंट इक्वल टू वन अपान सी वन प्लस वन अपान सी टू, इसका क्या करेंगे
एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या सी वन प्लस सी टू, तो वन अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू अपॉन सी वन एट, अरे सी टू प्लस सी वन आएगा वो तो एक ही बात, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आपका आएगा आज से ख्याल करना सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये फार्मूला जरूरी होता है वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो सी इक्विवेलेंट ज्ञात करना, उनका गुणा करेंगे जल्दी से उनका जोड़ के भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम लोग तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू। जल्दी के लिए लोग ये प्रयोग करते हैं, आप ये भी प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल आएगा तो काफी जल्दी से लगाना रहता है लोगों को, तो इतना ये होगा दो कैपेसिटर के लिए आप न्यूमेरिकल लगाना है तो ये चीज उपयोगी है ये जानिए। हाँ विद्यार्थी, अब फिर हम अपने लौटते हैं पुराने पर कॉन्सेप्ट, तो सी इक्विवेलेंट ये सब न्यूमेरिकल के लिए तरीका बता रहे हैं, डेरिवेशन हमारा यहीं तक था हो गया, उसके बाद कंडीशन सब चल रहा है। अब एक चीज और, तो इसमें शुरू में कॉन्सेप्ट बताया गया है कि चार्ज सब पे क्या है सेम है, चार्ज सब पे सेम है तो उस कॉन्सेप्ट का कुछ लाभ उठाएं, कुछ और फार्मूला निकालें। जैसे वो सवाल में आपसे पूछ गया सबके बीच अलग अलग वोल्टेज बताइए, सबके बीच अलग अलग वोल्टेज बताइए और चार्ज वगैरह नहीं मालूम रहेगा तो कैसे निकालोगे, चार्ज मालूम नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, सबके बीच वोल्टेज वी वन वी टू वी थ्री अलग अलग पूछ रहा, अब बताइए क्या करोगे। तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, चार्ज क्या रहता है सेम रहता है, चार्ज इसके भी चार्ज क्यू वन बराबर क्यू टू बराबर क्यू थ्री इस टाइप से अगर मान लो तो क्यू वन बराबर क्या रहेगा इसके भी चार्ज मतलब सी वन वी वन, इसके भी चार्ज मतलब सी टू वी टू। सीरीज में ध्यान देना है अगर कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा है तो वोल्टेज सबसे कम रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस सबसे कम रहेगा, अगर कैपेसिटेंस सबसे कम है तो वोल्टेज सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब उनका गुणनफल हर जगह क्या आएगा कांस्टेंट, ये आपकी समझ। चलिए तीसरे सी थ्री वी थ्री आया बराबर, अब बराबर यहां तीन है सी थ्री वी थ्री, अब चौथा क्या है चार्ज क्यू कांस्टेंट है ना, तो चार्ज क्यू बराबर क्या होता है सी इक्विवेलेंट इंटू वी, लास्ट के लिए भी हो जाएगा इसका विचार सेम इसका विचार सेम इसका विचार सेम इसका विचार सेम, इतना आप ख्याल करिए। मान लीजिए आपने प्रॉब्लम हल किया तो उसमें सी इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो, चाहे तीन कैपेसिटर वाला हो चाहे जितने का इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो, अब सी इक्विवेलेंट आप निकाल चुके अब कह रहा वोल्टेज अलग अलग कैपेसिटर के बीच बताइए, तो वोल्टेज आप कैसे निकालोगे, यहां से आप निकालेगा क्योंकि ये चीज आपको मालूम रहेगा टोटल वोल्टेज शायद आपको मालूम हो सी इक्विवेलेंट मालूम हो, अब यहां से वी वन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कैपेसिटर सी वन, तो वी वन इज इक्वल टू हो जाएगा सी इक्विवेलेंट अपॉन सी वन इंटू वी। ध्यान दें ये बड़े उपयोगी है, ये कॉन्सेप्ट आप पकड़िए न्यूमेरिकल में बड़ा आपको लाभ होने वाला है, इतना बराबर लास्ट वाला कर दीजिए बस, क्यू के स्थान क्या सी इक्विवेलेंट इंटू वी कर देंगे, जबकि ये चीज डेरिवेशन हम कर चुके हैं, वी वन के स्थान लिखे क्यू अपॉन सी वन तो आपकी चार्ज क्यू ना लिखे क्या लिखे सी इक्विवेलेंट इंटू वी, तो यहां हर चीज आसान लग रहा है लेकिन यही चीज न्यूमेरिकल में क्या लगेगा काफी मुश्किल। अब चलिए पोटेंशियल डिफरेंस अगर दूसरे का पूछा हुआ है और हमें चार्ज की जानकारी नहीं तो वी टू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट अपॉन अगली बार सी टू इंटू वी, टोटल पोटेंशियल लिया जाए टोटल पोटेंशियल जो दिया हम इसका प्रयोग करो, देखो आपको आ रहा आसानी से। अब वी थ्री इक्वल टू आ रहा है ये बराबर करिए तो अगली बार फिर इतना सी इक्विवेलेंट अपॉन सी थ्री इंटू वी, ये तीसरा इक्वेशन आ गया, ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत लाभ देने वाला, वहां जब न्यूमेरिकल पूछा जाता है सबके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए ये बताइए वो बताइए तो वहां ज्यादा सी इक्विवेलेंट बताइए और इस कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताइए तो लड़के सब कंफ्यूज में बहुत रहते हैं, तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा तो प्रॉब्लम गलत नहीं होगा, ध्यान दें बहुत ही अच्छा है। एक चीज और विद्यार्थी रह गया है कैपेसिटर में नोट, कोई पूछे आपसे सीरीज कॉम्बिनेशन किया क्यों जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन किया क्यों किया जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन तब करना चाहिए जब हमें गिवन कैपेसिटर से कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की आवश्यकता हो,
जब दिए गए संधारित्र से कम धारिता वाले संधारित्र की आवश्यकता हो तब हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना चाहिए। कोई कहे कैपेसिटर को सीरीज में कब जोड़ना चाहिए, तो आप कहेंगे जो कैपेसिटर दिया गया, जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया गया है, जब गिवन कैपेसिटेंस से भी कम कैपेसिटेंस की आवश्यकता होगी तब हम उसे किस क्रम में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे। क्योंकि 1/2, 1/3, 1/4 जब ये जोड़ोगे तो ये जो है वैल्यू पहले से भी क्या आएगी, कम आएगी, पहले से भी कम। अरे सीधे 1, 2, 3 अगर सीधे जोड़ना होता तो इकट्ठे ज्यादा नहीं हो जाता इक्विवेलेंट। जब इक्विवेलेंट गिवन कैपेसिटर से भी कम ले आना हो तो हम किस क्रम में जोड़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। तो यही इतनी बात हमें बताना था, तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ स्टूडेंट्स, इसका दूसरा वाला कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का दूसरा वाला मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का अध्ययन करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद्यार्थी प्रत्येक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को, प्रत्येक कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को एक बिंदु पर मिला देते हैं और सेकेंड प्लेट को एक दूसरे बिंदु पर मिला देते हैं। इन बिंदुओं को सेल से या बैटरी से आपस में जोड़ देते हैं। यदि तीनों कैपेसिटर के स्थान पर एक ऐसा कैपेसिटर प्रयोग किया जाए जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट हो तो इसका रिजल्टेंट ये हो तो इसके पहले प्लेट को और दूसरे प्लेट को सेल से जोड़ देते हैं। तो सेम सेल जुड़ा हुआ है दोनों के बीच, सेम सेल जुड़ा हुआ है। अब मान लेते हैं कि इनसे जो चार्ज निकला होगा, जो सेल ऐड करने से जो चार्ज निकला होगा वो क्यों निकला होगा, स्मॉल लेटर में क्यों निकला होगा। अब ये क्यू चार्ज जो है उसके कैपेसिटेंस के हिसाब से बट जाता है। अब की बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में विद्यार्थी चार्ज उसमें ज्यादा जाएगा जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा हो। कैपेसिटेंस मतलब जो भूखा ज्यादा हो, जो भूखा ज्यादा होगा वो खाना ज्यादा खाएगा, ये उस कंसेप्ट। अब की बार कैपेसिटेंस ज्यादा है तो चार्ज भी ज्यादा होगा, कैपेसिटेंस सबसे कम है तो चार्ज भी सबसे कम होगा। तो बस उस हिसाब से जाए, धारिताओं के हिसाब से जाएगा। इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा, सीरीज कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसका चार्ज कम है, उल्टा रहता है वहां भी, क्योंकि उनका गुणनफल कांस्टेंट करना रहता है हमको, हमें हमेशा। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है धारिताओं के अनुपात में चार्ज उसमें फ्लो करेगा, बस ये चार्ज। तो क्या चीज बट रहा है, चार्ज, चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन का आपको कांसेप्ट पहले बता चुके हैं हम। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहता है, हमेशा सेम रहता है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। इसका भी सभी का, इस कैपेसिटर का भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है, इसका भी पोटेंशियल, इनका इक्विवेलेंट किया उसका भी पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो ये सबसे जरूरी चीज है आपको जानना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस हमें हर कैपेसिटर का क्या रहता है, अप्लाइड कैपेसिटर के इक्वल होता है। ध्यान दें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम एंड इक्वल टू द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, उसके क्या होता है, बराबर होता है ईच कैपेसिटर। अगर पहले को मान भी लू मैं पहला दूसरा तीसरे नाम से, V1 बराबर V2 बराबर V3, तो लास्ट में क्या होगा, V के ही बराबर होगा। पहले वाले कैपेसिटर के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा, दूसरे के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। इस कंसेप्ट का आगे हम लाभ उठाएंगे, उससे क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज, पैरेलल कॉम्बिनेशन विद्यार्थी चार्ज डिफरेंस, चार्ज अलग अलग होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम आपको बताएं करंट सबके घर में अलग अलग फ्लो करता है, वोल्टेज सेम रहता है, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाइए। तो यहाँ पे चार्ज सबके बीच अलग अलग, जिसकी धारिता सबकी अलग अलग है, धारण करने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, इसकी धारिता सबसे ज्यादा है तो चार्ज सबसे ज्यादा ले लेगा, इसकी धारिता सबसे कम है तो चार्ज सबसे कम लेगा, ये चीज यहाँ पे होगा। हाँ, तो चार्ज इज डिफरेंस इफ कैपेसिटर इज डिफरेंट, लेकिन ये चीज तब होगा जब उनका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिफरेंस होगा। मान लेते हैं तीन कैपेसिटर है, उनकी कैपेसिटेंस भी सेम है
और आप उसे पैरेलल क्रम में जोड़ दिए तो आप तो वोल्ट उसका चार्ज भी क्या होगा, सब में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। जैसे 15 वोल्ट है तो 5 इसमें चला जाएगा, 5 इसमें, 5 इसमें, सब में बराबर बराबर चला जाएगा। तो क्या कर लेंगे ऐसी दशा में, 15 कूलम चार्ज है, 15 कूलम चार्ज है तो 5 बढ़ जाएगा, अगर कैपेसिटेंस सेम है तब की बात में कर रहा हूं। यस हाँ, तो क्या चीज बढ़ रहा है, चार्ज। चार्ज जो चीज डिवाइड हो रहा है वही लेके चलो, तो टोटल चार्ज डेरिवेशन के लिए टोटल चार्ज Q इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अरे जैसे इसमें भाई तीनों में बढ़ जाएगा टोटल चार्ज Q ना, बस यही बात कहना है। तो अब चार्ज ऑन कैपेसिटर C1, C1 पर चार्ज, यहां मेन ये है, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा C1V। Q1 इक्वल टू C1V, पोटेंशियल सबका सेम है, और Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2V, Q3 ये C3। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सभी वैल्यू उसमें हम लोग रखेंगे, तो Q इक्वल टू आएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। इसे इक्वेशन टू नाम दे देते हैं, इतना हो गया। इफ अगली लाइन, यदि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो, इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CEQ हो तब क्या होगा, तब Q इक्वल टू हो जाएगा C इक्विवेलेंट इनटू V। ये इक्वेशन थ्री कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद की लाइन जो मैं लिखूंगा, फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, समीकरण दो और तीन से, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो जाहिर है राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, C इक्विवेलेंट V इक्वल टू हो जाएगा। इस सब में V पोटेंशियल सेम है, कॉमन ले लो, बाहर कर लो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू V, तो V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आज से जो आपका फॉर्मूला रहा है C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। यस, तो ये फार्मूला आ रहा है, तो इसका डेरिवेशन भी, पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन भी हमारे द्वारा हो चुका है, अब यही है। तो आज से आपको फार्मूला न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का क्या फार्मूला होता है, तो आप बताएंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है, बड़ा आसान है। अब इसमें भी कह सकते हैं, इफ एन कैपेसिटर एड इन पैरेलल, तो C इक्विवेलेंट C2 प्लस C3 प्लस 1 क्या होगा, CN होगा। यहां भी ये बात कह सकते हैं, इफ एन कैपेसिटर एड इन पैरेलल हुज सेम कैपेसिटर इज C। अगर सभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या हो जाए, C हो जाए, तो क्या होगा, मतलब C1 बराबर C2 बराबर C3 बराबर CN बराबर क्या, समान ले C। तो ऐसी दशा में C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C प्लस C, कितनी बार, n टर्म्स, मतलब C धन C धन C n बार जोड़ा जाए, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 10 बार, तो 2 × 10 करते हैं, ठीक उसी प्रकार C प्लस C प्लस C n बार, तो n × C कर देंगे। यस, तो C इक्विवेलेंट, ये सब क्वेश्चन आया है n C, ये संख्या है, जब सेम हो जाएगा तो इक्विवेलेंट ऐसे आएगा, तो ये चीज आपको यहां पे जानना था। हाँ विद्यार्थी, इतना कॉन्सेप्ट हमारा कवर हो गया है, तो इतना ही लोग पढ़ाते हैं। अब यहां पे पूछा जाता है कि क्या चीज डिफरेंस था, चार डिफरेंस था, वो सवाल पूछेगा, सी को इस टाइप को कुछ दे देगा, वो कहेगा C इक्विवेलेंट ज्ञात कीजिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कीजिए, तो ये तो हम ज्ञात किए। अब वो कहेगा कि प्रत्येक ईच कैपेसिटर के बीच क्या बताइए, चार्ज हमें बताइए, ईच कैपेसिटर के बीच चार्ज बताइए, और C इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं, C इक्विवेलेंट पूछा था, ये चीज निकाल चुके हैं। अब कह रहा है कि ईच कैपेसिटर के बीच चार्ज, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, ये लाइन, और इससे कुछ और फार्मूला निकाला जाए कि जबकि जो है कोई चीज अननोन हो, तो यहां कैसे, देखिए आप C1V, यहां तो आसान भी है,
सी वन वी। देखिए क्यू वन इज्वल टू सी वन वी, तो V के लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपकी जानकारी में होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, यहां से कुछ करते हैं, यहां से क्या होता है। तो V1 बराबर होगा, अगर चार्ज के रूप में दिया है, V1 के स्थान क्या लिख सकते हैं, Q1 अपान C1 बराबर Q2 अपान C2 बराबर Q3 अपान C3। अरे इसके भी पोटेंशियल डिफरेंस V1 इक्वल टू Q1 अपान C1 और V2 इक्वल टू Q2 अपान C2। ये लास्ट में इसके बीच Q अपान C इक्विवेलेंट, यहां से कर दें। यस, अब बताइए, अब यहां हमको करना है, अब Q1 ज्ञात कर, मतलब ये भी चार्ज ज्ञात करने का तरीका है। Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q1 इक्वल टू, अब पहले का लास्ट से बराबर करो, Q1 इक्वल टू तो C1, तो हो जाएगा C1 अपान C इक्विवेलेंट। इनटू टोटल चार्ज Q, ध्यान दें आप लोग, टोटल चार्ज आपको मालूम है, C इक्विवेलेंट मालूम है, अगर ऐसा केस हो जाए, टोटल चार्ज आपको मालूम है, टोटल चार्ज जो है वो हमको मालूम है, टोटल चार्ज जिसे सी इक्विवेलेंट, टोटल चार्ज यहां निकाल लेंगे, क्यू इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इनटू वी, टोटल चार्ज आ गया। अब हमें अलग अलग चार्ज ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए सी वन अपान सी इक्विवेलेंट गुणे टोटल चार्ज। यस, तो सी वन और सी इक्विवेलेंट कितना है, अगर तीन है, तब तीन है तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, इसका न्यूमेरिकल में लोग प्रयोग करते हैं। तो एक फार्मूला ये आपका इंतजार कर रहा है, जो भी हो यहां से ये फार्मूला, फार्मूला का न्यूमेरिकल लगाने का हम तरीका सब बता रहे हैं। अब चलिए Q2 इसके बराबर लास्ट कर दीजिए, तो अब Q2 बराबर क्या है, इसका बराबर लास्ट कर देंगे तो C2 ऊपर जाएगा ना, C2 बुला कर गुते लिए ना, तो C2 अपान C इक्विवेलेंट गुणे टोटल चार्ज, C2 अपान C इक्विवेलेंट माने C1 प्लस C2 प्लस C3 गुणे टोटल चार्ज Q। ये यहां से क्या निकालेंगे, यहां से Q2 निकाल लेंगे, ये आया आपका। अब बचता है कौन, Q3, Q3 यहां पे देख लीजिए आप, यस Q3, अब इसको बराबर इसको कर दीजिए, तो ये C3 कहां, यहां लिख C3 अपान C इक्विवेलेंट, तो C3 अपान C इक्विवेलेंट गुणे टोटल चार्ज Q, तो C3 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू टोटल चार्ज Q। तो यहां से भी अलग अलग चार्ज निकाला जाता है, क्योंकि हम कैपेसिटर में C इक्विवेलेंट निकाल चुके और टोटल चार्ज अगर हमें पता है तो क्या निकालेंगे, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, टोटल चार्ज, सॉरी हम वही ज्ञात कर लेंगे, अगर हमें पोटेंशियल ज्ञात रहेगा तब टोटल चार्ज Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V, ये चीज यहां पहले ज्ञात कर लेंगे। तो जब ये चीज हमें ज्ञात रहेगा तो जल्दी से जल्दी अलग अलग चार्ज, Q1 इक्वल टू C1 अपान C1 प्लस C2 प्लस C3 इनटू Q। बहरहाल ये सब तरीके से सवाल लगा रहता है, तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट पहले ही कवर कर चुका हूं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ एक चीज और, लास्ट में विद्यार्थी जो हमें बताना रहता आपको, नोट संबंधी जानकारी जो आपको देनी थी वो ये है, नोट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को क्यों ऐड किया जाए, कब किया जाना चाहिए, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये आप बताए, आप बताइए, एक माइक्रोफेरेड, दो माइक्रोफेरेड, तीन माइक्रोफेरेड, एक प्लस दो प्लस तीन, तीन जुड़े कितना आएगा, तीन तीन छह माइक्रोफेरेड आएगा C इक्विवेलेंट बराबर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर को तब जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, जब गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से अधिक कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की आवश्यकता हो, मतलब सबसे सरल में जब जो कैपेसिटेंस दिया हुआ हो उसकी वैल्यू जितना है, अगर उस वैल्यू से भी ज्यादा कैपेसिटेंस की हमें आवश्यकता है तो हम उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। ध्यान दें, पैरेलल कॉम्बिनेशन तब वहां हमको करना होगा जब हमें गिवन कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से
अधिक कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर की आवश्यकता होगी, तब हम उसे किस क्रम में जोड़ेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और इसका उल्टा वहां होता है, इसका उल्टा सीरीज वाले में होता है, जो कि हम बता चुके हैं। तो ये चीज आपको हमें जानकारी देनी थी। तो विद्यार्थी, जितना हमें बताना था कंसेप्ट कवर कर चुके हैं। अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे आने वाले कल में। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।